नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए ITVP की तरफ से जो नई भर्ती निकाली गई है, जो कि जनवरी फरवरी 2020 में होनी है, इसके बारे में फुल डिटेल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, एज लिमिट क्या होगी आपकी, यहाँ पर पद दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल के हैं, उसके बाद में योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए, आवेदन कब से शुरू होंगे, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वैकेंसी रिलीज हो चुकी हैं दोस्तों। तो इसी वीडियो के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ITBP हेड कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2020, तो यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP में हेड कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2020 में होने वाली है, जो कि जनवरी फरवरी में इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दोस्तों। तो चलो जान लेते हैं इस वीडियो में कुछ मुख्य मुख्य बिंदु के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट हैं दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट नेम हेड कॉन्स्टेबल का, तो यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल की भर्ती होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप हु कैन अप्लाई, तो हु कैन अप्लाई में दोस्तों आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं और किसी भी कास्ट के हैं, तो आप उस भर्ती इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोस्तों, मेल या फीमेल, आप महिला या पुरुष जो भी हैं, आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है दोस्तों ITVP की। इसका अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ITVP सैलरी यानी कि पे स्केल की। तो दोस्तों, आपकी जो बेसिक पे होगी 21,700 रुपये से 69,100 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 21,700 रुपये से 69,100 रुपये पर मंथ तक की होगी। इसके ऊपर दोस्तों, ये केवल बेसिक पे है, इसके ऊपर फिर आपके लिए महंगाई भत्ता और काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों हम एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें हम दोस्तों, तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं देनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। आप चाहे किसी भी जाति से, धर्म से संबंधित हैं, चाहे आप SC ST या फिर चाहे जनरल के हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, आपके लिए इस भर्ती में कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो एज लिमिट आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स एज लिमिट शुड बी 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। तो इस भर्ती में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज 18 साल से 25 साल के बीच में होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल से 25 साल के बीच में है तो आप भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। अभी बात करते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय सरकार ने, भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने SC ST और OBC के लिए कुछ एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर SC और ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट मैक्सिमम एज यहाँ 25 ईयर है, और अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 ईयर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 25 और 5 30। तो अगर आपकी उम्र SC ST से आप संबंधित हैं और आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर आप 25 और 3 28, अगर आप 28 साल के हैं, 18 से 28 साल के बीच में आपकी अगर एज है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, मतलब रनिंग होगी, टू बी कंप्लीटेड विथ इन 7.30 मिनट, मतलब आपके लिए 1600 मीटर की जो रनिंग होगी उसके लिए आपको कंप्लीट करना होगा 7 मिनट 30 सेकंड में, मतलब 7.5 मिनट में आपके लिए 1600 मीटर की जो है वो रनिंग कंप्लीट करनी होगी। नंबर सेकेंड पे है दोस्तों, ये केवल मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, फीमेल की मैं बाद में बताऊंगा, केवल मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर लॉन्ग जंप होगी आपकी दोस्तों, 11 फिट की 3 चांसेस मिलेंगे आपको लॉन्ग जंप, मतलब आपके लिए लॉन्ग जंप जो करनी है वो 11 फिट होने चाहिए और आपके लिए इस लॉन्ग जंप को मारने के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप 3 चांस में ये 11 फिट की लॉन्ग जंप पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप इस भर्ती से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 3 पे हाई जंप की। हाई जंप होगी आपकी 3.5 फिट, इसमें भी आपके लिए 3 चांस दिए होंगे।
मतलब 3 चांस के अंदर आपके लिए ये 3.5 फीट की जो 3.5 फीट की जो हाई जंप है इसको आपको कंप्लीट करना होगा, पास करना होगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों हम फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा फीमेल की जो रनिंग है वो हाफ है। तो यहाँ पर 800 मीटर की रेस इनके लिए 4 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी। मतलब 800 मीटर की रेस को 4 मिनट 45 सेकंड में, मतलब 4.5 मिनट में कंप्लीट करनी अनिवार्य होगी। लॉन्ग जंप की बात करते हैं दोस्तों, तो लॉन्ग जंप यहाँ पे 9 फीट होगी। इसके लिए इनके लिए भी 3 चांस ही दिए जाएंगे, चांसेस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। हाई जंप यहाँ पे 3 फीट की होगी और इनके लिए हाई जंप में भी 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये तो बात होगी दोस्तों हमारे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। अभी बात कर लेते हैं हम हाइट की, कि आपकी जो लंबाई है, कद है आपका, वो कितना होना चाहिए। ज़्यादातर युवाओं की आजकल परेशानी होती है कि वो हर तरह से फिट होते हैं लेकिन उनकी हाइट नहीं होती है। तो दोस्तों आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर आपकी हाइट, आप पुरुष हैं और आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं और आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, मतलब 152 सेंटीमीटर है, तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें दोस्तों, तो चेस्ट यहाँ पर केवल मेल के लिए है 80+5। तो दोस्तों यहाँ पर 80+5 के मतलब मैं आपके लिए अच्छी तरह से समझाने देना चाहता हूँ। 80 का मतलब है आपका नॉर्मल सीना जो है, चेस्ट है वो, अगर आप बिल्कुल सिंपल खड़े हैं तो आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंशन। मतलब जब आप खड़े हैं नॉर्मल तो आपका 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। और जब आप सीने में सांस भरते हैं, मतलब अपने सीने को फुलाते हैं, तो आपका जो सीना है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो मतलब उस समय आपका सीना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए दोस्तों 85 सेंटीमीटर। रनिंग की बात हम दोस्तों कर चुके हैं, 1.6 किलोमीटर फॉर मेल के लिए 7.5 मिनट में और फॉर फीमेल के लिए 800 मीटर होगी 4 मिनट 45 सेकेंड में। तो दोस्तों ITBP की जो भर्ती है बहुत ही पूरी ऑल इंडिया के लिए निकाली गई है, काफ़ी ज़्यादा पद हैं इस भर्ती में। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फिजिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों फिजिकल टेस्ट से यहाँ पर मतलब है कि आपका जो मैंने रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप बताई है उसके लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। उसके बाद में आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में जो पास हो जाएंगे उसकी मेरिट बनेगी, तो जो मेरिट में जिनका नाम आएगा वो इस भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका ये फोर्स की नौकरी है तो आपके लिए मेडिकल भी जरूरी है। तो मेरिट लिस्ट के बाद में आपका आएगा मेडिकल। तो अगर आप मेडिकल, मेरिट लिस्ट और फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, ITBP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव 12th पास, मतलब आपके लिए 12th पास होना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ITBP 2020 की जो भर्ती होने वाली है उसकी 15 जनवरी 2020 से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं 5 फरवरी 2020। मतलब 15 जनवरी से 5 फरवरी 2020 के बीच में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ फिजिकल अवेलेबल सून। फिजिकल किस तारीख को होगा, आपका कहाँ पर होगा, वो आपके लिए अभी तक नहीं बताया गया है। तो जैसे ही बताया जाएगा मैं आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से एक नई वीडियो बनाकर उसकी डिटेल भी आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस भर्ती के बारे में पल पल की डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पहुँचाएँ। और आपके लिए अगर इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं इस भर्ती के बारे में या किसी और भर्ती के बारे में कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ITBP एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके ये होंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा आपका 10th का, एजुकेशन सर्टिफिकेट 12th का,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप पैन